आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देखने वाले हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से प्लांट जो कि आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल पॉट में वो इजीली ग्रो हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी देने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना और बहुत मजा आने वाला है। लिस्ट में नंबर 1 पर है एडिनियम। कलर ब्लैक हो या फिर व्हाइट, दोनों ही एडिनियम प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये छोटे से पॉट में और छोटे से पॉट में होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे से ये कलर दे रहा है, तो आपको एक छोटा प्लांट मिल गया जो फ्लावर बहुत लंबे समय तक देगा और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है। सनलाइट में रखना है, फर्टिलाइजर 20-25 दिन में एक बार दीजिए और गुड टू गो है ये। एडिनियम प्लांट को सीड से भी उगाया जा सकता है, इसकी कटिंग भी लग जाती है और अलग अलग शेप एंड साइज में भी आते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दो दो लाल फूल नज़र आ रहे हैं बट बात सिर्फ एक की होगी, वो है गुड़ेल का प्लांट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोज़ के साथ रखा हुआ है बट दोनों ही फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। गुड़ेल या फिर हिबिस्कस में अनगिनत वैरायटी आती है, येलो फ्लावर, वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर या फिर बहुत सारे अलग अलग कलर के, बट क्या आपने ये वाला फ्लावर देखा है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट नेचर से करवाया है। हमने दो प्लांट को ज्वाइन करा था, वाइट और पिंक कलर के, उसका रिजल्ट ये निकला है। तो आप भी डेफिनेटली आप हमारा वीडियो देखें, दो प्लांट को ज्वाइन करें और इस तरह का अनोखा रिजल्ट लेकर आइए। तीसरे नंबर पर आता है बोगनवेलिया। बड़ा ही छुपा रुस्तम प्लांट है दोस्तों। जब सारे प्लांट फ्लावर देना बंद करते हैं तब ये शुरू करता है और जब सब स्टार्ट करते हैं तो ये देता ही रहता है। मतलब ये प्लांट आपको 8 महीनों तक फ्लावर देता रहेगा। और एक सिंगल वैरायटी कभी मत लाना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कलरफुल वैरायटीज़ आती है। सामने ये बोगनवेलिया बॉन्साई है और ये है चित्रा वैरायटी, जिसके अंदर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कलर आते हैं। और ये नेक्स्ट जो वैरायटी है इसका नाम तो मुझे नहीं पता बट ये बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। पहले पिंक कलर होता है, फिर वाइट कलर होता है, फिर वापस पिंक कलर हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है प्लांट फ्लावर कौन से कलर का देने वाला है। आप खुद ही देख लो, पहले पिंक था, अब ये वाइट होने लग गया है। अब पता नहीं आगे कौन सा कलर लेके आएगा। इसमें हल्का सा येलोइश टच भी मुझे नज़र आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्लांट के ऊपर नज़र डालिए। इस प्लांट को हम कैसे निकालेंगे अगर आपको नहीं पता है तो हमारे ब्लॉग चैनल को विजिट करें, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है कि इसको कैसे निकालना है तो डेफिनेटली कमेंट करिए और मुझे बताइए मैं इस स्नेक प्लांट को इस छोटे से पॉट में से कैसे निकालूं। और अगर आपको आंसर जानना है तो ब्लॉग चैनल विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मॉर्निंग ग्लोरी बहुत ही यूनिक प्लांट है, ये भी डबल कलर में फ्लावर प्रोड्यूस करता है। पहले ब्लू कलर रहेगा, फिर वो पर्पल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कलर चेंज कैसे हो रहा है। इसमें भी अलग अलग वेरायटी आती है, हमने यहाँ पर पर्पल वाली ली है क्योंकि पर्पल और ब्लू कलर इसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी एक बेलदार पौधा है जो गर्मियों को बहुत अच्छे से सहन करता है और बहुत लंबे समय तक फ्लावर देता रहता है। और एक बार आपने इस प्लांट को परचेस कर लिया तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कभी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीज खुद प्रोड्यूस करेगा और वापस फिर से रीग्रो होता रहता है। और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है, मतलब काटो, घोलो और लगा लो। नहीं नहीं, मतलब काटो, स्प्रिंकल कर दो सीड्स को और ऊपर से मिट्टी डाल दो। ये देखो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। रोज़ प्लांट के बारे में बताऊँ या प्लम्बे को प्लांट के बारे में बताऊँ? देखो सारे फ्लावर एक तरफ और प्लम्बेंगो प्लांट का फ्लावर एक तरफ, क्योंकि एक तो गुच्छों में आते हैं और इसका कलर बहुत ही यूनिक कलर है दोस्तों। ना ब्लू में जा रहा है, ना वाइट में जा रहा है, ना पर्पल में जा रहा है, तो एक अलग ही कलर कॉम्बिनेशन लेकर ये आ रहा है। तो मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है और जब भी ये फ्लावर देता है, जहाँ भी ये रखा हुआ होता है उस एरिया को ये बहुत खूबसूरत बना देता है। और ये क्या बात हुई, हर महीने ये फ्लावर दे देता है। मैं तो इसके फ्लावर से इतना ज़्यादा खुश हो चुका हूँ कि मुझे इस प्लांट को डेफिनेटली एक दो जनों को और शेयर करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी शेयर करना। नंबर 6 सदाबहार। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन प्लांट। दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जो हर सिचुएशन में ईजिली सर्वाइव कर लेता है, कम से कम पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अगर इसको खाद पानी दे दिया तो ये फ्लावरिंग कम कर देता है, तो भाई साहब इसको ना खाद चाहिए ना पानी चाहिए। नंबर 7 रोज़ प्लांट। सारे प्लांट को साइड में करता हुआ हमारा रोज़ का फ्लावर सामने आ रहा है और बोल रहा है कि मैं हूँ फूलों का राजा, मुझसे दूर रहना। रोज़ प्लांट में दोस्तों मेरा फेवरेट है टाइगर रोज़, बट इसमें भी ये यूनिक कलर कॉम्बिनेशन ही मुझे पसंद है जिसमें येलो कलर के साथ रेड कलर आता है। एक कॉमन प्लांट होता है जो कि वाइट कलर रखता है, बट मुझे ये स्पेशल वन वाला पसंद है और ये स्पेशल ऑर्डर पर ही नर्सरी वाले आपके लिए लेकर आएंगे और ये फ्रेश फ्लावर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आएगा। तो बारिश का मौसम आ रहा है, कटिंग लगाना स्टार्ट कर देना। अगर नहीं आता है तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ इस पर है, सीड से लगाना भी मैंने आपको सिखाया है।
और विंटर के मौसम का इंतज़ार मत करना, अभी से प्लांट परचेस करना स्टार्ट कर दो ताकि वो अपनी रूट्स फैलाते और एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आपको वो विंटर के सीज़न में फ्लावर दें। रोज़ के बाद मैरीगोल्ड ही ऐसा फ्लावर है जो सेकंड मोस्ट लव किया जाता है। हर घर में ये पौधा आपको मिल ही जाएगा और इसकी डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आती है, तो डेफिनेटली आपको उगाना ही चाहिए। और उगाना का मतलब ये नहीं है कि आपको नर्सरी से ख़रीद के लेके आना है, आपको सीड से ग्रो करना है। मैरीगोल्ड दोस्तों बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और छोटे से छोटे पॉट में इजीली सर्वाइव कर लेता है। खाद पानी की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको नहीं आता है इसको कैसे उगाना है तो मुझे बोलिए ना, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप कमेंट करेंगे और मुझे 10 कमेंट्स के आसपास अगर आ गए तो मैं कल ही एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा मैरीगोल्ड को कैसे ग्रो करना है सीड से। ये सारे प्लांट मैंने सीड से ही ग्रो करे हैं, एक भी प्लांट परचेज नहीं करा है। और एक बार आपने अगर फ्लावर ग्रो कर दिया ना दोस्तों, तो उसी के अंदर से सीड्स कलेक्ट करने हैं और उसी को फिर से रीग्रो करना है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से फ्लावर परचेस करने की। ये आप देखें रेड कलर के प्लांट, हमने एक बार इसको ख़रीदा था और अब आज 3 साल हो गए और आज भी ये बहुत बेहतरीन फ्लावर दे रहा है। अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट हो और वो परमानेंट प्लांट हो तो वो है मोगरा प्लांट। हाँ, सर्दियों में इसकी पत्तियाँ कम हो जाती है, बट ये जब गर्मी आती है तब इतनी खुशबू और इतने ज़्यादा फ्लावर आपको देगा कि आप संभाल नहीं सकते। प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, थोड़ी सी ट्रिमिंग चाहिए, थोड़ा सा फर्टिलाइजर चाहिए, बस इतनी सी केयर चाहिए और मोगरा प्लांट आपको भर भर कर फ्लावर देने वाला है। इसमें 3 वेराइटी आती है, एक नॉर्मल मोगरा, एक ज़्यादा फूल में पत्तियाँ वाला मोगरा और एक मोती मोगरा। तो हमारे पास 3 वेराइटी अवेलेबल है। लिक्विड फर्टिलाइज़र मोगरा प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ करना चाहिए। 10 बूंदे आप एक 10 इंच वाले पॉट में इजीली यूज़ कर सकते हैं और बस आपको एवरी 25 डेज के बाद इसको रिपीट करना है। मिक्सचर बनाते जाइए, हर 25 दिन में डालते जाइए और फिर जो मैजिक होगा वो आपको आपका प्लांट दिखा देगा, बहुत सारे कलियाँ, बहुत सारे फ्लावर। नंबर 10 पोर्टुलगा, क्या लगा आपको भूल जाएंगे? नहीं, पोर्टुलगा खास है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा खास है। 1 टाइम परचेस करना है और ये प्लांट आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। और मैंने तो दोस्तों क्या करा है, बहुत सारी कटिंग्स ली अलग अलग फ्लावर की और एक ही पॉट में लगा दिया, तो डेफिनेटली मुझे इतने ज़्यादा फ्लावर मिले ना, और अलग अलग कलर में मिलते हैं और रोज़ एक नया वेराइटी मिल जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मिक्स होती है और एक नया कलर ही निकल के आ जाता है। सारे सीज़न में ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे, बस विंटर सीज़न इनका दुश्मन है। तो विंटर सीज़न में आपको ध्यान रखना है, इनको फुल सनलाइट में रखना है और पानी बहुत कम देना है क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है सर्वाइव करने की, तो ये विंटर सीज़न में सर्वाइव कर लेंगे बिना पानी के। बट पानी डाला तो रूट रोट हो जाएगा, फंगस से ये मर जाएंगे। नंबर 11 पीस लिली, अभी जो दिल्ली बॉम्बे में जो हाल हो रहा है ना, एयर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ रही है, इस प्लांट को लगाओ दोस्तों, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक नहीं 3-4 लगा दो अपने रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड्स, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और क्लीन एयर देता है और बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा। यस, हमारा पीस ले लिए, एक इंडोर प्लांट है और डायरेक्ट सनलाइट में ये अपनी पत्तियाँ सारी जला देगा, तो इसको ब्राइट लोकेशन पर रखना। बट आप इसको रूम के अंदर रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना जहाँ पर डायरेक्ट लाइट ना आती हो, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। हम राजस्थान से हैं, हमें अभी एयर पोल्यूशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी सारे पहाड़ है, काफ़ी सारे ग्रीनरी है, इसीलिए मैंने अभी तक सिर्फ एक ही पीस लिली ग्रो करा है। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 12 कैलेंचू, यहाँ पर आप देख रहे ना कितने ज़्यादा ब्राइट कलर में ये फ्लावर है दोस्तों। ये बहुत सारे 6 to 7 या फिर और ज़्यादा वेराइटीज़ में इसके कलर आते हैं, बट ऑरेंज कलर दोस्तों खास में से खास है क्योंकि बहुत ही ब्राइट कलर है और बहुत दूर से नज़र आने लग जाता है। इसमें 2 वेराइटी आती है, एक ड्रॉप वेराइटी आती है और एक बिग वेराइटी आती है। बिग भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो भी छोटे से पॉट में सर्वाइव करेगा, ये रहा उसका एग्जांपल। दोनों ही पास पास में रखे हुए हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत प्लांट है। हमारा जो देसी वेराइटी है दोस्तों, ये ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। इसमें ज़्यादा कलर नहीं आते हैं बट ये दोस्तों बहुत लंबे समय तक फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। ड्रॉप वेराइटी का भी बहुत खूबसूरत लगता है, लंबे समय तक फ्लावर प्रोड्यूस करता है बट ये कुछ समय बाद मर जाता है। बट देसी वेराइटी
हमने तो इसको हैंगिंग पॉट में लगा रखा है, और जब भी इसकी कोई ब्रांच नीचे गिर जाती है टूट के, तो मैं उसको एक छोटे से पॉट में ग्रो कर देता हूँ। जी हाँ, कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो आस पड़ोस में कहीं उग रहा हो तो तोड़ के ले आइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।